कैसे बहुत ही ज्यादा फास्ट कॉम्बैट 24 कैसे जा सकते हैं विद इन अ फ्यू डेज। देखोगे तो इधर मैंने बहुत सारे अपने अलग अलग प्रोफाइल्स ऐड किए हैं कोऑप में, सारे मेरे ही प्रोफाइल्स हैं एंड अ बिग थैंक यू गोस टू शुभम जिसने मेरे को ये सारे प्रोफाइल्स दिए। बीस्टडी से ज्यादा जल्दी कॉम्बैट एक्सपी किसी भी चीज में नहीं बढ़ा सकते, सबसे बेस्ट उपाय बीस्टडी, लेकर मैं इसमें आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको कैसे करना है। बात ऐसी है कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीस्टडी में करना क्या होता है। मैं आपको पूरा एग्जैक्ट गाइड करने वाला हूं। बीस्टडी आपको यहाँ पे जाकर यहाँ पे मिलेगी, मेरा बीस्टडी भी माइलस्टोन 4 पे है एंड ट्रस्ट मी बीस्टडी माइलस्टोन 18 में जाके आप लोगों को 1 मिलियन एक्सपी मिलता है जो कि बहुत ज्यादा काम का आता है। 18 तक आप लोगों को बहुत कम एक्सपी मिलते जाती है। एट फर्स्ट व्हाट यू नीड इज एन एंडर आर्मर, मैंने बस ये फियर्स परफेक्ट स्प्रेड ये मैंने अपने मेन आईडी से दिया था, बट आप लोग चाहो तो एकदम पूरा एक एंडर आर्मर लेके कर सकते। एंडर आर्मर अच्छा है ये सब करने के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट होगा अगर आप लोग एंडर आर्मर नहीं बल्कि हार्डन डायमंड आर्मर या फिर वेयरवुल्फ आर्मर ले लो, क्योंकि ये चाहे कॉस्ट काफी ज्यादा करता है, हार्डन डायमंड आर्मर बहुत सस्ता है बाय द वे, बट वेयरवुल्फ आर्मर थोड़ा सा कॉस्ट करता है बट वो वर्थ इट है, काफी ज्यादा वर्थ इट है। उसके साथ साथ आप लोग फेल सॉर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन मैं तो सीधे सीधे क्या करता हूँ कि फेल सॉर्ड हो चाहे जो भी वेपन हो कुछ भी ले लेता हूँ अभी के लिए एंड जल्दी से जल्दी मैं कॉम्बैट 12 के लिए जाता हूँ। कॉम्बैट 12 होने के बाद से ही मैं एकदम चालू कर देता हूँ फ्रोजन साइथ एंड कॉम्बैट 16 होने का वेट करता हूँ एंड फिर मैं वाइस ड्रैगन आर्मर पहन लेता हूँ। आगे जाके आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला है जो है वो वुल्फ पेट। एक बात आप लोग बहुत ही ध्यान से याद रखना कि वुल्फ पेट लेजेंडरी ही काम का आता है, उसके नीचे वाले बेकार होते हैं, किसी काम का नहीं होता। और हाँ, लेवल 100 ऑब्वियसली अच्छा होगा, मेरे को पता नहीं, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई अरे मेरे को एक काम करो, तुम्हें 1 लाख में बेस्ट सेटअप बताओ या फिर 1 मिलियन में बेस्ट सेटअप बताओ। अरे भाई बेस्ट कैसे होगा, अगर कम पैसों का होगा तो बेस्ट थोड़ी होता है वो कभी, तो वो बात ध्यान में रखना, महंगा होने वाला है, यू हैव टू अर्न द मनी। कभी कभार कुछ छोटी मोटी चीजों में आप लोग अटक सकते हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो मैं आपको इसके लिए मदद करने के लिए आपको एक ओपी गाइड देता हूँ। ये है द सुपर अल्टीमेट गाइड टू टेक हेल्प फ्रॉम द चैट। तो आपको क्या करना है, आपको बस चैट में पूछना है कैन एनीवन हेल्प मी टू अनलॉक ऑल फ्लोर्स इन डीप कैव रेंज, एंड आप लोगों को कोई ना कोई जो है रिप्लाई करेगा एंड अगर आपको रिप्लाई नहीं मिला तो वापस से लॉबी चेंज करो, दूसरे लॉबी में जाओ एंड उधर जाके ट्राई करो, तो कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। और ये हब में नहीं करना है, मैं हब में हूँ इसीलिए मैंने हब में रिकॉर्ड कर लिया, मैं आलसी हूँ, आप लोग आलसी नहीं हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज डजंट मैटर, सब कुछ भूल जाओ, बी स्टडी में जाओ, अपने प्राइवेट आइलैंड में ये जो जॉम्बीज है ना, ये जॉम्बीज को हम कुछ ही बार मार सकते, टोटल आई गेस जॉम्बी 5 जो कि 500 किल्स टोटल हम कर सकते हैं इसका बीस्टडी, इससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते मैक्स। रात को आपको यहाँ पे जॉम्बी विलेजर्स मिलेंगे एंड दिन को आपको ओनली जॉम्बीज मिलेंगे, रात को सबसे ज्यादा जॉम्बीज मिलते हैं। आप लोगों को क्या करना है, इन जॉम्बीज को मारना है, इनको कंटिन्यूअसली आप लोगों को मारते आना है, कंटिन्यूअस जैसे आप इन लोगों को मारते जाओगे आपका जो है बीस्टडी अनलॉक होता जाएगा। नेक्स्ट बीस्टडी मेरा तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर हब में जाके। अब हब में जॉम्बी विलेजर का काउंट दिखता है, ये जॉम्बी विलेजर का काउंट इधर दिखता है, थोड़ा सा ऐसा प्राइवेट आइलैंड में जो जॉम्बी का काउंट होता है इन जॉम्बीज को मार के हो जाता है, और बाकी हब में जो है ये जॉम्बी विलेजर्स फिर इन जॉम्बी विलेजर्स को मारना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं रिसेंटली स्पाइडर डेन के कर रहा हूँ, एडकिन कीपर जो है एक मॉब है जिसको मेरे को 10 बार मारने पे बीस्टडी 1 होता है, जो कि इस बीस्टडी माइलस्टोन में 4/10 में, सोचो मैंने ये कर दिया तो ये 5/10 हो जाएगा, 10/10 में मेरे को +2 HP देगा, फिर उसके बाद मेरे को नेक्स्ट लेवल में +2 HP या तो मेरे को कॉम्बैट XP या तो दोनों मेरे को मिलने वाला, फिर नेक्स्ट में वापस से HP देगा, फिर नेक्स्ट में वापस से XP देगा, ऐसा करते करते 18 में जाके वो मेरे को 1 मिलियन XP देने वाला है, उसके पहले मेरे को एक और 500 का XP, उसके पहले मेरे को 200 या तो 300 कुछ तो देता रहता है ऐसे कंटिन्यूस। टारगेट आप लोगों को इसको करना है कि इनको जितना ज्यादा हो सके, मेरा टारगेट रहता है टोटल हर एक पर्टिकुलर का चीज का बीस्टडी 5, मतलब ये 4 तक पहुंचा है, देखो मैंने वुल्फ को ऑलरेडी 5 कर दिया, कुछ मतलब 6 भी कर सकता हूं, आपको 500 और वुल्फ मारने पड़ते हैं। यहाँ पे ओल्ड वुल्फ एंड क्रिप्ट गोल्स, ये सारी चीजों में इधर जाके अभी क्रिप्ट गोल्स मार लेता हूँ, क्रिप्ट गोल्स को मार के क्रिप्ट गोल्स का बीस्टडी कर लिया। अभी देखो आप लोगों को स्लेयर्स करना है कि नहीं वो टोटल आपके ऊपर है, स्लेयर्स करो तो ज्यादा एक्सपी मिलता है, बट मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ क्योंकि मेरे पास मैं पैसे कमा के मैं सारी की सारी चीजें अफोर्ड कर सकता हूँ, शायद से आप लोग नहीं कर पाओगे, तो आप लोगों के लिए स्लेयर्स एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, मेरे बाकी के साइड वीडियोस देख लो आपको मदद मिल जाएगी। इधर एक ओल्ड होल जिसका तो HP थोड़ा सा ज्यादा होता है, ओल्ड होल्स पर होते हैं, इनको मारो। बेसिकली हमारा टारगेट है इनमें जितना जल्दी जितना ज्यादा हो सके माइलस्टोन करो, फिर जाके दूसरी जगह चले जाओ। इतना हो जाने के बाद आपका जैसे जैसे कॉम्बैट 16 हो जाए, मेरे इस पर्टिकुलर ग्राइंड के लिए सबसे बेस्ट होता है वाइस ड्रैगन आर्मर। 5 स्टार को इग्नोर करो, मैंने 5 स्टार वाइस ड्रैगन, एक से मेरे लेगिंग्स में स्टार नहीं है, ये तो मैंने अभी कभी नोटिस किया। आप लोगों को एक कंप्लीट वाइस ड्रैगन आर्मर चाहिए, ये तो मैंने बस मिथिक ले लिया, आपको मिथिक लेने की कोई जरूरत नहीं, कंप्लीट वाइस ड्रैगन आर्मर 5 स्टार हो तो बहुत बढ़िया बात है। वाइस ड्रैगन के साथ फ्रोजन साइड जो है बेस्ट होता है, मेरे को याद नहीं इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कि नहीं, बट मोस्टली नहीं चाहिए होती है, कोई चाहिए होता तो कमेंट बता दो, कमेंट चेकआउट कर लेना गाइस, पता चल जाएगा आप लोगों को।
एनीवेज दैट्स ऑल गुड. इसके बाद जाके हम स्पाइडर डेड में सारे स्पाइडर्स को एंड जब बारिश होती है तब इधर रेन स्लाइम्स आते हैं, रेन स्लाइम्स को तो ऐसे वैसे मारते रहने पड़ते हैं. और कुछ तरह के सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पाइडर्स मिलते हैं, सबके नेम्स अलग होते हैं, उन सबको मारने पे उनका भी बी स्टडी अनलॉक होता है. रिमेंबर टारगेट इज देखो स्पाइडर टेन में जाके सारे बी स्टडी 5 तक करने के लिए. मैं बहुत ज्यादा कर चुका हूँ ऑलरेडी और जैसे ही करूंगा ये बी स्टडी अपने आप बढ़ता जाएगा. हमारा टारगेट है बी स्टडी 18 तक पहुंचना एंड ऑटोमेटिकली हमारा कॉम्बैट लेवल 24 क्रॉस कर जाएगा. एंड में ये सेट सबसे ज्यादा काम का आता है जो कि मैंने बोला था फ्रोजन साइथ एंड वाइज ड्रैगन, ये बेस्ट सेट है. अगर हाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज तो है उल्फ पेट, उल्फ पेट के बिना काम नहीं होता है. यहाँ तक आप लोगों को इतने पैसे मिल ही जाएंगे कि आप लोग उल्फ पेट को अफोर्ड कर लोगे. लेजेंडरी उल्फ पेट लेना और कोई उल्फ पेट मत लेना, एकदम गलती मत करना. एंड इधर आके बाकी के जो है आपको बेस्टली करनी है नीचे इधर बस एंडमेंस को मार. तो नीचे के एंडमेंस को मार के सबसे ज्यादा एक्सपी मिलता है. आप लोग वॉइड ग्लूम वाले एरिया में जा नहीं सकते, उतना एक्सपी आपके पास नहीं होगा. फिर ड्रैगन नेस्ट में आओ, ड्रैगन नेस्ट में कोशिश करना किसी जगह पे अगर ड्रैगन दिख रहा है तो उधर रह जाने के लिए, क्योंकि ड्रैगन को ऐसे करके आप लोग डैमेज दे दोगे राइट क्लिक करके एंड उसका भी बी स्टडी जो है हो जाएगा आपका. फिर इधर नीचे बाकी सारे मॉब्स को मारते रहना, बस इधर के सारे बी स्टडी ऐसी हो जाएगी. सो डीप कैवर्न्स आने के बाद डीप कैवर्न्स में भी तरह तरह के मॉब्स होते हैं हर अलग अलग फ्लोर में, उन सबको भी 5 में लेके जाना है आपको. डीप कैवर्न्स के सारे फ्लोर्स में घूम घूम के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉब्स होते हैं. हो सके तो ट्राई करना इसी बहाने माइनिंग को भी लेवल अप करने का. अगर आप माइनिंग का लेवल अप करते हो, माइनिंग का कुछ लगा देते हो, जैसे कि मेरा माइनिंग तो इजीली लेवल अप हो जाता है इस टाइम पे. मैं टोटली 2 दिन के अंदर ये सारी चीजें कर देता हूँ. माइनिंग को लेवल अप करके आप डॉर्वन माइंस को भी अनलॉक कर सकते हो. एकदम डॉर्वन माइंस को अनलॉक करने के लिए कुछ थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं. एनपीसी आपको बता देता है नीचे जाए ऑब्सीडियन सैनिटरी में जाओगे तो उसके ऑपोजिट में इधर सामने दिख जाएगा एनपीसी ऐसा. और सोचो ऑब्सीडियन सैनिटरी लिफ्ट ऑपरेटर से बात करके सारी चीजें मैनुअली अनलॉक करनी पड़ती है. उसके लिए गाइड्स ऑलरेडी मेरे पास, आपको क्या करना है तो उसके बात करके वो भी अनलॉक करना पड़ता है. उधर भी बहुत सारे जो है डॉर्वन माइंस में बहुत सारे जो है मॉब्स होते हैं जिनको आप मार के 5 कर सकते हो. एंड ये सारा का सारा चीज अगर आपने 5 कर दी इंक्लूडिंग पार्क, अब पार्क में जाने के लिए आपको हब से इस तरफ जाके एंड इसी बहाने आपको एंचेंटिंग वगैरह सारे स्किल्स मैटर करती है. मैं इतना ज्यादा यूज कर पाता हूँ क्योंकि इनमें है अल्टीमेट वाइज फाइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अपना एंचेंटिंग लेवल मिनिमम 20 करना पड़ेगा. 20 में जाके आप अल्टीमेट वाइज को यूज कर सकते हैं. अल्टीमेट वाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें करने के लिए और ये एक दिन में करना टोटली पॉसिबल है. यू विल नीड इज अ लिटिल बिट ऑफ पॉइंट्स क्योंकि बाजार से आप एक्सपी बॉटल खरीद सकते. पहले के 10 एक्सपी करने के लिए मैं बस आयरन के बाजार से आयरन हेलमेट खरीदता हूँ और एंचेंटिंग टेबल नॉर्मल वैनिला एंचेंटिंग टेबल बना के उसमें एंचेंट करता हूँ. जो नॉर्मल माइनक्राफ्ट में जो एंचेंटिंग टेबल सेटअप होती है उसमें पूरा चीज एंचेंट करता हूँ या फिर हब में भी एक एनपीसी के पास जाकर हम एंचेंट कर सकते हैं. देखा जाए तो सीप के पास आके इधर भी आप लोग एंचेंट कर सकते हो. मेरे को पता नहीं है कितना हायर लेवल एंचेंटमेंट देता है, आई हैव नो क्लूज, बट अगर ये देता है हायर लेवल एंचेंटमेंट तो फिर तो आप लोग इधर भी आके कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग आई डू इज मैं सबसे पहले कुकी, एक फ्री का कुकी हम लोगों को मिलता है इधर से, आप लोगों को पता नहीं हो तो. ये सारी चीजें काम की तभी आएगी जब आप अकाउंट अभी खोल रहे हो. एंड ये जो है ये एलिजाबेथ तभी एक फ्री की कुकी और फर्स्ट कुकी देख रहे हो क्लिक टू क्लेम, तो मैं इसको क्लिक करके क्लेम कर सकता हूँ. ये रहा मेरा फ्री का कुकी. अभी फ्री का कुकी तभी मिलता है जब आप डॉर्वन माइंस में जाते हो. आपको एक दिन का टाइम लगता है डॉर्वन माइंस में जाते हो, सारे सब कुछ अनलॉक करते हो, पूरा डॉर्वन माइंस तक अनलॉक करना पड़ता है या फिर डीप कैबिन्स में जाते हो. सॉरी नॉट डॉर्वन माइंस, डीप कैबिन्स में जाते हो शायद से आपको पूरा नीचे तक अनलॉक करना पड़ता है. बट यू हैव टू वेट फॉर 1 डे एटलीस्ट, आपका एक दिन के बिना शायद से ये नहीं होता. तो आप लोग कमेंट में बताना अगर आप लोगों को इस बूस्टर कुकी लेने के बारे में ज्यादा इन्फो है, आप लोगों को एक्सपीरियंस है, प्लीज टेल इन द कमेंट्स. मिले हुए बिट सबसे ज्यादा काम के आते हैं क्योंकि वो अपने आयरन में जाके एक्सपेरिमेंट टेबल में वो बिट्स को बार बार यूज करके जल्दी से जल्दी हम जो है एन्चेंटिंग 20 जा सकते हैं जिससे हमारा अल्टीमेट वाइज 5 जो है अनलॉक हो जाता है. मिनियंस यूज करना मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट यू गाइस कैन ऑलवेज डू इट, बट यू विल नीड अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट्स टोटली अप टू यू. बिगिनिंग में पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है. फिर नेक्स्ट जो है मैं बात करते करते आ गया पार्क. पार्क के लिए आपको चाहिए होता है सुपर, ऐसा ऐसा बोलने का तो कोई खुल के आके शायद से दे दे आपको. बट एनीवेज प्राइस 6,000 का मिल रहा है मेरे को, तो अभी कोई फर्क पड़ता है नहीं कि कितने का क्या मिल रहा है. बट देर वी गो, ऐसा दिखता है सुपर बूम 20 एंचेंटेड TNT. ऐसे इनसे पूछोगे किसी से ऐसे चैट में लिख के तो फिर प्रोबेबली कोई आके हेल्प कर देगा. तो इसमें आने के बाद सेम चीज यहाँ के सारे मॉब्स को आपको 5 करने पड़ेंगे. एंड जब तक आप ये करोगे उसके बाद आप लोगों को डंजेस करने की जरूरत पड़ेगी. डंजेस के सारे फ्लोर आपको धीरे धीरे फ्लोर 4 तक सबको अगर 5-6 बार अगर आप कर दोगे उसके लिए आपको आर्मर वायरल फार्मर यूज कर सकते हो. लेकिन वायरल फार्मर के लिए आई थिंक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है.
डंजन्स के अंदर, डंजन का कुछ तो एक रिक्वायरमेंट लगता है शायद से, आप लोग वाइस ड्रैगन आर्मर से आराम से कर सकते हो। आपको कैरी लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, आप उसके लिए मेड स्क्वाड ज्वाइन कर सकते हैं, इधर बहुत सारे बिगिनर लेवल लोग हैं जो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। बट एनीवेज यू जस्ट नीड टू डू इट 5 to 6 टाइम्स ताकि आप सारे, हाँ आपको ध्यान में रखना है कि सारे के सारे नॉर्मल मॉब्स को आप ही को मारना है एंड बाकियों को नहीं मारना है, आप ही को सारे मॉब्स को मारना है, इसीलिए आपको फ्रोजन साइट तो लगने ही वाला है। फ्लोर फोर एक बार कंप्लीशन के बाद यू गाइस कैन आल्सो यूज स्प्रिट सेप्टर, दैट्स टोटली अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है नहीं करना है वो आप पे, बट दैट्स द बेस्ट आइडिया। ऐसा करते रहोगे ये सारी चीजें करने के बाद यू विल श्योरली रीच कॉम्बैट लेवल 24 विद इन अ फ्यू डेज।